नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, आज उज्जैन से एक बहुत ही शर्मनाक खबर आ रही है। जी हाँ, दरअसल धोखाधड़ी करने वालों ने महाकाल को भी नहीं छोड़ा है। महाकाल की भस्म आरती के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। जी हाँ, फर्जी अनुमति जारी कर भस्म आरती में करा रहे थे प्रवेश। 5 सुरक्षा कर्मियों पर केस दर्ज किया गया है और 3 गिरफ्तार किए गए। हम आपको बता दें कि उज्जैन के महाकाल मंदिर की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों द्वारा ही फर्जी तरीके से अनुमति देने का बड़ा मामला सामने आया है। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से पैसे लेकर भस्म आरती में प्रवेश देने को लेकर मंदिर प्रशासन ने 6 लोगों पर FIR कराई है। इनमें महाकाल मंदिर की सुरक्षा एजेंसी के 5 और 1 सत्कार शाखा में तैनात कर्मचारी हैं। सभी 6 आरोपियों पर धोखाधड़ी के मामले में धारा 420 के तहत महाकाल थाने में केस दर्ज किया गया है। FIR के बाद 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। तीनों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हम आपको बता दें, घटना 2 अक्टूबर की है। बाहर से आए कुछ श्रद्धालु महाकाल मंदिर क्षेत्र के होटल विजय पैलेस में ठहरे हुए थे। महाकाल मंदिर में आसानी से दर्शन कराने और भस्म आरती में शामिल कराने के लिए KSS कंपनी सुरक्षा कर्मी सुरेश राठौर ने बातचीत की। KSS कंपनी महाकाल मंदिर में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करती है और सूत्रों के मुताबिक पूरे मामले में होटल कर्मचारी, प्रोटोकॉल कर्मचारी और सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों की मिली भगत की बात सामने आ रही है। होटल कर्मचारी श्रद्धालुओं को वर्तमान दर्शन व्यवस्था की जटिलता बताकर उन्हें अधिक पैसे लेकर दर्शन कराने का आश्वासन देते थे। सत्कार कर्मचारी मंगल तिवारी सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों को उसके बताए अनुसार नकली पास बनाकर देता था, जिसका मंदिर प्रबंध समिति के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। बताया जा रहा है कि इसी नकली कार्ड के आधार पर ही श्रद्धालुओं को अंदर जाने से रोका गया, तो उन्होंने सुरक्षा एजेंसी कर्मचारी राठौर का नाम बताया। इसके बाद जांच में अन्य 5 कर्मचारियों के नाम भी सामने आते गए। दर्शनार्थियों को प्रोटोकॉल की सुविधा देते हुए उन्हें नकली टिकट थमा दिए गए थे। दरअसल 11 सितंबर से शुरू हुई भस्म आरती के लिए अब प्रोटोकॉल के तहत दर्शन करने वालों का विधिवत फॉर्म भराया जाता है और उनसे रसीद भी कटाई जाती है। लेकिन इनके केस में जांच के दौरान रिकॉर्ड में कोई भी फॉर्म प्रोटोकॉल कार्यालय में नहीं मिला, यानी सभी टिकट नकली ही प्रिंट करके दे दिए गए। इन कर्मचारियों द्वारा मंदिर प्रबंध समिति को आर्थिक नुकसान पहुंचाने, धोखाधड़ी करने और मंदिर की छवि को धूमिल करने के मामले में कलेक्टर के निर्देश पर महाकाल थाने में केस दर्ज किया गया है। कलेक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में इस तरह की अनियमितता सामने आई तो इससे भी कड़ी सजा दी जाएगी। अब सुनिए जरा पुलिस का इस मामले में क्या कहना है। नाम पर कोई इस प्रकार के पैसे लेकर के और कोई बुकिंग करने को लेकर के एक शिकायत आई थी। उसकी शिकायत जांच की गई थाना महाकाल पर और इस पूरे जांच में 6 लोगों के विरुद्ध एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इसमें ये सभी कर्मचारी हैं, जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के कुछ लोग हैं और ये कहीं ना कहीं उस पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए थे। इस पूरे मामले में अभी 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है और 420 और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके विचारणा में लिया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 10 लोगों को टिकट दिया गया था। भस्म आरती के लिए ऑफलाइन परमिशन 10 लोगों को दी गई थी। प्रत्येक टिकट के बदले 800 से 1000 रुपये तक वसूल हुए गए थे। इस मामले में कलेक्टर आशीष सिंह से शिकायत की गई थी। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि पूरी दर्शन प्रक्रिया व भस्म आरती की प्रक्रिया पारदर्शी है। हमने भस्म आरती के लिए नियम बना रखे, लेकिन उन नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन करना चाहिए। उन्हें किसी दलाल या जल्द दर्शन कराने का आश्वासन देने वालों पर भरोसा नहीं करने चाहिए। बहरहाल इस मामले में देखने वाली बात ये होगी कि आगे चलकर इस तरीके के मामले सामने ना आए, पुलिस किस तरीके से मुस्तैद रहती है, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।